प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कर्जा बढ़ने पर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार चरवाहक की नीति पर चल रही है, सरकार कर्जा लेकर घी पी रही है और मरने के बाद वैसे भी कौन पूछता है। उन्होंने कहा कि पगड़ी बेचकर घी मत पियो सरकार। हुड्डा ने कहा कि मेरे समय में कर्जा 60,300 करोड़ था, लेकिन अब प्रदेश पर कर्जा 1,98,000 करोड़ तक पहुंच गया है। नीति आपने सुनी है, उसी पर चल रहे हैं। कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। तो मेरी सरकार से यही है कि अपनी पगड़ी बेचकर कर्जा मत खाओगे, घी मत पियो, अपनी पगड़ी मत बेचो, अपनी पगड़ी बेचकर घी मत पियो। तो चार वक्त की नीति पर मत। 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तो उस समय इन्होंने कहा था, व्हाइट पेपर लेके आए थे और 60,300 करोड़ जब कर्जा था तो बहुत हाउ हल्ला मचाया था। हर पैरामीटर जब कब ला लो, कब ला लो, उस टाइम कहां खड़े थे हम, आज कहां खड़े। आज क्यों नहीं व्हाइट पेपर ला रही, साफ क्यों नहीं बता रही। थ्री टाइम्स डेट हो गया और कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए। देखिए हमारे समय में यूनिवर्सिटी, थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, आईएमटी, रेलवे लाइन, मेट्रो, एक इंच मेट्रो लेके आया हूँ, एक इंच रेलवे लाइन लेके आया हूँ, एक बड़ी कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बनाया हो, एक भी कोई ऐसा काम बताए जो इन्होंने किया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो। जब बने थी सरकार, जब से कह रहे हैं हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बताएं भाई कौन सा मेडिकल कॉलेज रोड था। उदय की जो बात कहते हैं वो कब हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट टुक ओवर एन अमाउंट ऑफ 25,950 करोड़ आउटस्टैंडिंग इतने इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी लोन ग्रांट्स टू डिस्कॉम एंड रिमेनिंग अमाउंट इतने इन द फॉर्म ऑफ इतना ये था इनकी गवर्नमेंट बनी September 30, 2015 में। वहीं हुड्डा ने धान घोटाले की जांच पर कहा कि इसकी जांच सीबीआई से करवाए या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सरकार जांच करवा लेती है तो ठीक है, वरना मैं जल्द ही तथ्यों के साथ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। कराऊंगा तो करूंगा और इसको एक हफ्ते के बाद आपके सामने घोटाला खुलासा करूंगा। सीबीआई की जांच पहले कर देगी तो मैं रहने दूंगा, फिर मेरे को क्या दिक्कत है। तो डिमांड हमारी सीबीआई की जांच कराएं या सिटिंग हाई कोर्ट के द्वारा कराएं, कुछ तो करें। क्योंकि ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, एक बार करा ली, फिर दूसरी बार कराई, तीसरी बार कराई, क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब है मौका दो कवरअप करने का। इस दौरान हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव पर अभय चौटाला के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सेटिंग तो मेरी अभय के साथ थी, मैंने अभय सिंह को फोन करके कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिला है, वोट चाहिए, तो अभय ने कहा मैं वोट दूंगा। कांग्रेस के पास 31 थे, मेरा अनुमान था कि 37 तक पहुँचते। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा मेरी छोटी बहन है और उनको टिकट मिलती तो मैं उनका भी समर्थन करता, और जब दीपेंद्र को मिली तो सभी का समर्थन उसके साथ रहा। 60 गांठ तो मैंने अभय चौटाला के साथ करती, उससे कहा था पूछो, उन्हें कहा था मैं वोट दूंगा। जब मैंने कहा भाई दीपेंद्र को टिकट अलॉट हो गई है, रिक्वेस्ट करी मैंने, देखा आपका आपका आशीर्वाद चाहिए, उन्हें दूंगा वोट, तो 60 गांठ होगी। हुड्डा ने कहा कि मैं अभय चौटाला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के लिए राज्यसभा जाने पर वोट देने का आश्वासन मुझे दिया था। हम 31 से 32 हो गए थे और भी 2-3 विधायक हमारे संपर्क में थे। कुमारी शैलजा के राज्यसभा में टिकट काटने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि पार्टियों में टिकट कटते नहीं हैं, टिकट बांटे जाते हैं, टिकट दिए जाते हैं। 31 तो मेंबर थे, फिर अभय चौटाला जी की हमारे में था 32, और भी थे 2-3-4 ऐसे जो करने वाले थे, हम तो 31 से 32 हो गए थे। अभय चौटाला जो मिला 31 से 32 हो गए ना, फिर और भी थे। एक दो का तो बयान ही आया था, मैं किसी नाम नहीं देना चाहता था। अब इसी का मेरे विश्वास से नाम दिया, उन्होंने कहा तो मैंने कहा, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं आई एम थैंकफुल टू हिम।
टिकट कटती नहीं है, टिकट मिलती है, टिकट दी जाती है पार्टी को, जिसको भी पार्टी टिकट देती सभी उसका समर्थन करते हैं। शैलजा जी को मिलती है, मेरी छोटी बहन है, सब उसका समर्थन करते हैं, आपको देते जब हम समर्थन करते उसने कहा जितेंद्र को दे दिया, जितेंद्र को समर्थन किया, उनका भी आशीर्वाद है। हमारी भाई प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।